पर्यटकों को पर्यटन स्थलों के भ्रमण के साथ साथ लोक सांस्कृतिक एवं राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद खूब भा रहा है। इस दिशा में प्रथम प्रयास शुरू किया है कंचन केसरी रिसोर्ट ने डिनर फ्री स्कीम के साथ। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रिसोर्ट पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रिसोर्ट पर राजस्थानी कला एवं संस्कृति का नज़दीक से अनुभव कर पर्यटक रोमांचित हो उठते हैं। यहाँ कालबेली नृत्य, फायर डांस, फोक सॉन्ग आदि के साथ पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बोटिंग, मैजिक शो दिखाए जाते हैं। 10 बीघा में बने रिसोर्ट में व्यापक हरियाली है और एक प्राकृतिक झील भी है। झूले व कठपुतली शो बच्चों के आकर्षण का केंद्र है। राजस्थानी लोक गीतों के साथ साथ राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। रिसोर्ट में 21 तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मनोहर के साथ खिलाए जाते हैं, जो पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति देता है। सप्ताह के अंत में स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं। राजस्थानी खाने के अलावा पंजाबी भोजन भी पेश किया जाता है। इस बारे में जयपुर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष व रिसोर्ट के प्रबंध निदेशक ने बताया। जयपुर के पर्यटन में आने वालों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा चालू की है, जो डिनर फ्री के नाम से काफ़ी मशहूर है। कई लोग इसमें बैठकर आते हैं, इसका आनंद लेते हैं। इसका मुख्य आकर्षण यह है कि हम लोग जयपुर में डीलक्स बस के अंदर जयपुर का भ्रमण करवाते हैं। सुबह 10 बजे उनको ले जाते हैं और पूरा दिन भर जयपुर के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उन सबको दिखाते हुए शाम को 6 बजे वापस यहाँ से जयपुर से रिसोर्ट के ऊपर कंचन केसरी पर ले जाते हैं। उन सब के साथ हम वहाँ पे राजस्थानी खाना, जिसमें करीब 21 आइटम होते हैं, राजस्थानी धुनों के साथ उसको परोसा जाता है। सरकारी प्रयासों पर निर्भर न रहकर पर्यटन व्यवसाय को मंदी के दौर से उबारने के लिए होटल व्यवसायियों के प्रयास अकाल से जूझती प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उबारने में सहायक सिद्ध होंगे।